हेलो एंड वेलकम एवरीवन। विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रविशंकर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। हमारी जो वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 10 को कवर कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में यूनिट 10 पूछा जाता है, उसे हम कवर कर रहे हैं। और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, राइट। इससे पहले मैं आपको नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी पढ़ा चुका हूँ, और आज हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए हो, और सारे के सारे वीडियो लेक्चर एमपीपीएससी प्री को लेकर के चाहिए हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के अगर आपको और कोई वीडियो लेक्चर चाहिए है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसी विषय पर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, पिछड़ा मतलब बैकवर्ड है ना। तो पिछड़ा वर्ग कौन होता है, यानी बैकवर्ड क्या होता है, इसके विषय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख नहीं है, और ना ही कोई परिभाषा इसके विषय में हमें मिलती है कि पिछड़ा मतलब क्या। परंतु क्या हुआ कि संविधान में तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, और जो नॉर्मल इसकी परिभाषा निकल करके सामने आती है वो ये निकल करके आती है कि ऐसे लोग जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, परंतु वो ना तो एससी में आते हैं और ना ही एसटी में आते हैं। तो एससी और एसटी में ना शामिल होने वाली ऐसी जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग में माना जाता है, और सरकार इनके लिए विशेष प्रावधान, विशेष काम कर सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें हुई, क्या क्या चीजें हैं, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की हम लोग बात करें, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि पिछड़ा वर्ग की परिभाषा क्या होगी। तो भाई मैंने आपको इसमें बता दिया है कि ऐसे लोग, ऐसे मतलब समाज का वो वर्ग, ठीक है, याद रखिए, समाज का वो वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है। आप लोग लिखते हुए भी चलिएगा मेरे साथ में, आप नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। तो समाज का वो वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है वो कहलाता है पिछड़ा वर्ग। इसे ही हम लोग कहते हैं जनरल में, मतलब जनरल लैंग्वेज में, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, राइट। तो अदर बैकवर्ड कास्ट में कौन कौन आता है, समाज का वो वर्ग आता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनकी हम लोग चर्चा कर लें। हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 15 सबसेक्शन 4 जो है वो ओबीसी के लिए प्रावधान करता है। ओबीसी के लिए देखो, दो चीजों में पिछड़ा हुआ है, एक तो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और एक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, यही दो पॉइंट तो है। तो हमारा जो संविधान का आर्टिकल नंबर 15 सबसेक्शन 4 है वो उन्नत शिक्षा के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है ना। सामाजिक और शैक्षणिक, मतलब जो ओबीसी होते हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो भी लोग होंगे ओबीसी के, उनके लिए जो है वो विशेष उपबंध करता है। अब जो 15-4 है ना, और जो 16-4 है, जो शैक्षणिक संस्थानों में इसकी बात कर रहा हूँ मैं, खास तौर पर काय पे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ठीक है। तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो है वो आपको यहां से मिल रहा है, और 16-4 जो है, 16-4, इस 16-4 के तहत जो है वो ये व्यवस्था की गई है कि जो सरकारी नौकरियां होंगी,
ठीक है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो 16(4) से की गई है। कहाँ से की गई है? 16(4) जो आर्टिकल नंबर 16 सबसेक्शन 4 है, ये 16 सबसेक्शन 4 से जो है वो सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, राइट। अच्छा, और भी कुछ आर्टिकल हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उन पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 46, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल नंबर 46 है, इसको भी हमें समझना होगा। इसमें आर्टिकल नंबर 46 क्या है? अब आपको पता है आर्टिकल नंबर 46 जो है वो डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है। तो इस आर्टिकल नंबर 46 में ये कहा गया है कि राज्य ओबीसी के शिक्षा और आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए काम करेगा, है ना, शिक्षा एवं आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए काम करेगा, ठीक है। तो काय के लिए काम करेगा? जो ये डीपीएसपी में आता है सी, ठीक है। तो जो शिक्षा और आर्थिक हितों के जो भी कमजोर वर्ग होंगे, जो भी कमजोर जातियां हैं, उनके लिए काम करेगा, ठीक है। अब एक और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें आ रहा है जो हमें याद रखने लायक है, वो है आर्टिकल नंबर 338 सबसेक्शन का। है ना, बी। ठीक है, तो 338 बी जो है वो भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, हमने 338 और 338 ए पढ़ा था, तो उसमें एक तो एससी के लिए कहा गया था और एक एसटी के लिए कहा गया था। तो इसमें ये प्रोविजन किया गया कि जो है जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए एक अलग आयोग का गठन किया जा सकता है, पिछड़े वर्ग के लिए अलग आयोग का गठन किया जा सकता है, ठीक है। तो पिछड़े वर्ग के लिए अलग आयोग का गठन किया जा सकता है, ये प्रोविजन हमें 338 बी में मिलता है, ठीक भैया। हुआ भी यही, 102वां संविधान संशोधन किया गया, 102 वह संविधान संशोधन, ठीक है। तो 102वां संविधान संशोधन जो किया गया है, उस ये 2008 में किया गया था, याद रखिएगा, दो सॉरी 2018 में, 2018 में जो है वो 102वें संविधान संशोधन के तहत पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ओबीसी आयोग। देख लो सर, जरा टाइमलाइन देख लेंगे हम लोग। तो कुल मिला के बात अभी तक हमने क्या की, 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से ओबीसी को जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, इससे पहले हमने 15(4) की बात कर ली, 16(4) की बात कर ली, ओबीसी होता क्या है उसकी बात कर ली, आर्टिकल नंबर 46 की बात कर ली, राइट। तो ये सारी बातें जो है हमने इसमें कर ली है। अब हम लोग हमारे विषय को आगे बढ़ाते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 340 भी हमें इसमें इस संदर्भ में पढ़ना चाहिए। 340 के बारे में भी बता देता हूं मैं आपको। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 340 जो है वो राष्ट्रपति को ये एक अधिकार देता है। इस आर्टिकल के तहत पी को ये अधिकार है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच के लिए एक आयोग
बना सकता है। तो देखो साहब, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनकी जांच के लिए, उनकी स्थिति के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। कौन सा आर्टिकल बोला? 340, राइट। आयोग बनाया गया। सबसे पहले राष्ट्रपति ने 1953 में एक आयोग बनाया जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग, याद करिए। 340 में आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ने दो बार पिछड़ा आयोग बनाया। कितने बार किया? दो बार किया। एक बार किया 1953 में और दूसरी बार किया 1978 में, ठीक है। अब किया, दो बार किया भाई साहब। एक बार 1978 में, ठीक है, जिसे हम लोग मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है, और एक बार किया है 1953 में, ठीक है। तो 1953 में जो बनाया था, इस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। क्या नाम था? काका कालेलकर आयोग, ठीक है। काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये बना था 29 जनवरी 1953 को, ठीक है। कब बना था? 1953 को। अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। 1978 में जो बना, इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल। कौन नाम थे? वीपी मंडल। और ये बना था 20 सितंबर 1978 को। तो चलिए हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 1953 का काका कालेलकर आयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई। 1953 में जो काका कालेलकर आयोग बना था, इसमें हुआ क्या था साहब कि इनको एक तो साहब ये गांधीवादी विचारक थे। कौन से विचारक थे? गांधीवादी विचारक काका कालेलकर को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया और कहा गया कि आप पिछड़ी जातियों के बारे में आप बताइए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट इन्होंने 30 मार्च 1955 को सौंपी और उसमें इन्होंने कहा कि टोटल 2,399 जातियां पिछड़ी हुई हैं। कितनी जातियां? 2,399 इतनी जातियां हैं। प्लस इन्होंने कहा कि सभी स्त्रियां, सभी महिलाओं को भी पिछड़ा वर्ग में रखा जाए। ध्यान करिएगा साहब, अगर कभी ऐसा आ जाए कि महिलाओं को पिछड़ा वर्ग में रखने की बात कौन से आयोग ने कही, तो काका कालेलकर आयोग ने कही है, ठीक है। स्त्रियों को भी पिछड़ा वर्ग में रखा जाए, ये बात जो है वो काका कालेलकर साहब ने कही थी, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो एक रिकमेंडेशन दी। इस रिकमेंडेशन में क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों में जो प्रथम श्रेणी की हैं, उन प्रथम श्रेणी में 25% आरक्षण दिया जाए, ठीक है। और जो द्वितीय श्रेणी की हैं, इन द्वितीय श्रेणियों की नौकरियां जो भी हैं, इन श्रेणी की नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाए।
और जो बिल्कुल थर्ड तृतीय श्रेणी की हैं उनमें जो है वो 40% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए, ये किसने कहा? काका कालेलकर आयोग ने, ठीक है? इतने आरक्षण की बात इन्होंने कही। तो भाई साहब ये तो इनका हो गया। अब इसके बाद जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था मंडल आयोग, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ये जो मंडल आयोग या मंडल कमीशन ये बना है, इस मंडल आयोग या मंडल कमीशन की जो अध्यक्ष थे वो तो मैंने आपको बताया, ये बनाया था तात्कालिक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने, ठीक है? ठीक है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल अध्यक्ष है इसके, ठीक है? कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल। यह टोटल 6 सदस्यीय आयोग था। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे, 6, ठीक है ना? 6 सदस्य थे, ठीक है? ये दूसरा पिछड़ा जाति आयोग है, दूसरा आयोग है ना? ठीक है भाई। इन्होंने रिपोर्ट दी, जब तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तब तक भी जब तक जो है वो सरकार गिर चुकी थी, ठीक है? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 31 दिसंबर 1980। अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसमें इन्होंने क्या किया कि 3,743 जातियों को, जातियों को पिछड़ी जाति माना तथा 27% आरक्षण की बात कही। देखो साहब, है ना, 27% आरक्षण की बात कही है ना, ये बात भी आप थोड़ा सा इसमें समझिएगा। पर हुआ क्या कि इन्होंने तो अपनी रिकमेंडेशन दे दी पर तब तक सरकार गिर गई थी, तो ये प्रावधान जो है वो कभी लागू नहीं हो पाए, है ना? 1990 तक जो है वो लागू नहीं हो पाए। अब हुआ क्या, वीपी सिंह की सरकार बनी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 1990 में, तो 1990 में यानी 13 अगस्त, ध्यान रखिएगा डेट को, 13 अगस्त 1990 को इस आयोग की सिफारिश है, ठीक लागू कर दी गई। ठीक है, मतलब ओबीसी को 27% का आरक्षण वो दे दिया गया, ठीक है? ओबीसी को 27% का आरक्षण जो है वो 13 अगस्त 1990 को दे दिया गया। अब जब ये आरक्षण दिया गया तो जाहिर सी बात थी कि कोर्ट में केस जाएगा। कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहा गया क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। क्या कहा गया? क्रीमी लेयर सिद्धांत, क्रीमी लेयर सिद्धांत। तो ये जो क्रीमी लेयर सिद्धांत जो दिया गया आपका जब 1990 के बाद कोर्ट में केस हुआ 16 नवंबर 1992 को, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत दिया है 1992 में। तो उसमें यह कहा
के पिछड़ा वर्ग को यानी ओबीसी को जो 27% का आरक्षण दिया है। वो तो वैध है ना, यानी वो वैलिड है, राइट? ठीक है, परंतु परंतु जो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग क्रीमी लेयर में आएंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, बाकी लोगों के लिए आरक्षण वैलिड है। ठीक है, तो ये वैध कर दिया आरक्षण को, वैलिड करार दे दिया। ठीक है भाई, तो अब ये क्रीमी लेयर क्या होती है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर कि क्रीमी लेयर मतलब क्या। ऐसी ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से ऊपर होती है उन्हें क्रीमी लेयर कहा गया। ये मैं 1992 की बात बता रहा हूँ, तो 1992 में ये क्लॉज रखा गया था कि जिनकी 1 लाख से ज्यादा इनकम होगी पूरे एनुअल, उनको क्रीमी लेयर में रखा गया, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर धीरे 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 समय बदला, परिस्थितियां बदली, वर्तमान में जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो 1 लाख नहीं 8 लाख रुपए है। यानी वर्तमान में जो लोग 8 लाख रुपए से ज्यादा ईयरली कमाते हैं, सालाना कमाते हैं, उन लोगों को क्रीमी लेयर माना जाता है और उन्हें उन्हें ओबीसी का आरक्षण नहीं दिया जाता है, उनके लिए ओबीसी का आरक्षण वैलिड नहीं होता है, राइट? ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था 1992 में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, कि पिछड़ा वर्ग आयोग का संरचना कैसी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओबीसी आयोग तो वही साहब है, एक अध्यक्ष होगा है ना, और अध्यक्ष के बाद जो है वो तीन स्तर होते हैं। एक होता है यहां पर उपाध्यक्ष, ठीक है, तीन होते हैं इसके सदस्य और एक होता है इसका सचिव। ठीक है, तो ये इसकी पूरी संरचना है, ऐसे होती है। इसका जो बहुसदस्यीय निकाय होता है, ठीक है, इनका जो जो भी सदस्य और जो व्यक्ति होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल है, अधिकतम 3 वर्ष तक जो है वो रह सकते हैं, ये रखेंगे, है ना। सदस्यों के पद विमुक्ति की बात हम लोग कर लेते हैं कि पद विमुक्ति इनकी कैसे होगी, है ना। तो सदस्यों की पद विमुक्ति, पद विमुक्ति कैसे होती है, देखो, एक तो त्याग पत्र दे सकते हैं, केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए, केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र ये दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज है। दूसरी चीज क्या है, बिना अनुमति के बिना अगर लगातार लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहने पर, ठीक है, लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहने पर भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और अगर इनका पद पर रहना
आयोग के लिए अनुकूल हो, सॉरी प्रतिकूल हो। तो भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इनके कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। आयोग के कार्य, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, आप बिल्कुल पेपर पेन लेकर के बैठे हो, नोट करते हुए जाए। तो सब भाई आयोग के कार्यों की अगर हम बात करें तो ओबीसी के हितों का संरक्षण, पहली बात है भाई, है ना। कौन सी जाति, ओबीसी में शामिल होगी, कि नहीं, ये व्यवस्था देखना, ठीक है, शिकायतों की जांच करना, ऐसी सारी व्यवस्था है जो मैंने आपको ओबीसी, जो आपको SC ST आयोग बताई थी, वो सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट जो आया इसमें, इसी में जो चीजें आई हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। कि देखिए, अप्रैल 2014 में एक PIL पर जो है वो डिस्कशन चल रहा था, अप्रैल 2014 की बात है। PIL पर डिस्कशन चल रहा था और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को ओबीसी के दर्जे का निर्णय दिया। ठीक है, सबसे पहले तो मेल फीमेल दो कैटेगरी हुआ करती थी, यहां पे अदर जेंडर नाम की एक और जो है कैटेगरी आ गई, और साथ ही साथ किन्नरों को ओबीसी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि अप्रैल 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसमें, जिसके तहत किन्नरों को जो है वो उसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है इसके बारे में समझ लीजिए। आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जो सौंपता है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति ही जो है वो इसको संसद के पटल पे रखवाता है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे आयोग की जो शक्तियां हैं, जो भी कार्य हैं, ये सब हमने जो SC और ST में पढ़े थे। ठीक है, SC ST आयोग के समान ही शक्तियां धारण करता है। एक ही जगह पढ़ना है, बार 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 हर जगह पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हमारा जो ओबीसी आयोग है उसके ऊपर हमारा ये पूरा लेक्चर हो गया है, ये पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए आयोग के साथ, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, और संभवतः 2-4 दिन में हम लोग ये आयोग पूरे के पूरे कवर कर लेंगे। उसके बाद में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।